नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। प्रत्येक नेता जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन नेताओं को जनता का 5 साल मालूमात नहीं था, आज उनके बीच में वो जा रहे हैं वोट के लिए। उनको पता है कि कितनी वोट है, कहाँ कहाँ पर उनका घर है। लेकिन जब विकास की बात करें तो फिर नेता जनता से हाथ छुड़ा लेते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है अलवर शहरी से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय अग्रवाल, प्रत्याशी हैं, यहां से जीत का दावा ठोक चुके हैं। किन चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा में आएंगे और इसके साथ साथ में मौजूदा विधायक संजय शर्मा का कितना ज़्यादा यहां पर प्रभाव रहा, 5 साल के अंदर कितना ज़्यादा विकास कार्य किया उन्होंने। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो फिर से स्वागत है आपका नवतेज टीवी चैनल में। सबसे पहले नवतेज टीवी चैनल के सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ये महाराजा भर्तृहरि का शहर अलवर है। यहाँ काम करने वाले की पूजा होती है। जो व्यक्ति काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैंने तो ये सोचा है, सब प्रतिद्वंदियों की बातों को ना करते हुए अपनी लकीर, जो छोटी लकीर होती है उसके सामने बड़ी लकीर खींचेंगे तो निश्चित रूप से होगा। मेरा तो टोटल संपूर्ण विकास के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो मेघावी योजना है और जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सब लोगों को फायदा मिला है, ऐसी फ्लेक्सिबल योजनाओं के चलते हुए पूरे राजस्थान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कि हमेशा ये होता था एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन आपके भारी बहुमत के साथ अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगातार फिर से गहलोत जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनने जा रही है। अजय जी, अगर बात करें अलवर शहर की तो क्या क्या विकास कार्य रुके हुए हैं, क्या लगता है कि मौजूदा विधायक ने कभी जनता की बीच में? पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ रहे हैं, लेकिन गिनती गिनाने के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। अलवर शहर में विकास जब हुआ, जब अलवर शहर से विधायक के रूप में आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ के राजा हैं, वो 2 बार यहाँ विधायक बने, फिर वो सांसद बने। अलवर में जितने भी मेगावी प्रोजेक्ट आए, चाहे वो हाईवेज का हो, चाहे ओवर ब्रिज का हो, शहर के सौंदर्यकरण का हो, गोरापथ का हो, शहर के विकास में नए नए आयाम परिवर्तन का हो, मेट्रो ट्रेन की बात हो, और ESI हॉस्पिटल के लिए का प्रोजेक्ट हो, और आपके यहाँ ऑडिटोरियम जो नया बना है उसका हो, इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम जो बना है उसका हो, जो भी विजनरी सोच का व्यक्ति था, तो उस समय जो काम हुआ, उस समय भंवर जितेंद्र सिंह जी विधायक होते थे और मैं नगर परिषद का सभापति होता था। चूंकि भंवर जितेंद्र जी उस समय कांग्रेस के थे और मैं भाजपा में था, तो भी हमने शहर के विकास में कभी किसी भी काम को मिलकर करने का प्रयास किया, जिसके चलते वो सतत विकास हुआ। आज भी अलवर शहर ही नहीं, अलवर जिले की जनता भी ये जानती है, अलवर शहर में विकास पुरुषों में 2 व्यक्तियों के नाम है। भंवर जितेंद्र सिंह जी के बाद अलवर शहर के लिए अजय अग्रवाल को लोग जानते हैं। विजनरी सोच के साथ मैंने काम किया, चूंकि मैं इंडस्ट्री ट्रेड का निकला हुआ व्यक्ति था और सबके साथ जुड़ के काम किया। मेरे मन में ललक थी, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा था नहीं, एक शौक है कि मैं राजनीति में भी कुछ जीवन में करो तो यार अच्छा करके चलो, जिसे लोग याद करें, दुखियारी लोग हैं उनको कुछ फायदा मिले, जिन लोगों को कभी संबल नहीं मिला समाज में उनको उठाने का जो काम करें। नगर परिषद की मैंने जब वित्तीय स्थिति देखी कि 3-3, 4-4 करोड़ रुपए घाटे के संस्थान था, उसको मैंने अपने स्तर पर उठाया। 2 साल तो मुझे उसे संभालने में लग गए। जैसे मैं चुनाव जीता, उसके बाद मैंने 50 वार्ड थे अलवर में, 50 वार्डों में एक नारा दे दिया कि कूड़ी के दिन फिरेंगे, और मैं संपूर्ण रूप से सारा कचरा उठाने का सबसे पहले प्रयास किया। क्योंकि नगर परिषद को लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा तो उनका मेन धर्म है कचरा और लोगों को लाइट उपलब्ध कराना, 2 मुख्य काम होते थे। फिर उन 2 कामों से हटा के फिर मैंने निर्माण में भी उनका ध्यान लगाया, फिर मैंने शहर के विकास में, शहर के डेवलपमेंट में, शहर के मेगावी योजनाओं में, शहर में पानी वितरण में, शहर की टंकियां बनाने में कई 1000 करोड़ रुपए का काम मैंने नगर परिषद के माध्यम से किया। साथ ही मैंने अलवर शहर में सबसे बड़ा काम किया, मोदी जी जो 2014 में स्वच्छता अभियान लेके आए, वो अभियान तो मैंने 2007 में पूरा कर दिया,
अलवर में 274 टॉयलेट्स मैंने बनाए पब्लिक में, जो हिंदुस्तान में किसी भी शहर में नहीं है। अभी आप यहाँ आए हैं, एक फलांग पे आप देखेंगे ये अपने अम्बेडकर चौराहे से पहले दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड में पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं। मैंने लोगों की पीड़ा को देखा, लोग पब्लिक पार्कों में जाते थे, सुविधा नहीं थी, शहर में जगह जगह लोग परेशान होते थे, तो उसको समझते हुए मैंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, काम किया, डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े रोड बनाए। हमारे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं होता था पेवर रोड का, वो काम किया। आज भी जनमानस पर मेरे किए हुए कार्यों की छाप है, जिसके बल पर चलते हुए मुझे पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित रूप से हमारे जो है उसके तहत हम इसमें काम करेंगे और चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का आपने बताया कि विजन रहा राजस्थान के अंदर विकास को लेकर हमेशा वोट डली है, लेकिन जिस तरह बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या रही, या यूं कहें कि संजय शर्मा के बयान भी पिछली दफ़ा हमने देखे, कल भी हमारी बातचीत हुई कि गहलोत सरकार की तरफ से हमें कोई भी फंडिंग नहीं की गई क्योंकि हम बीजेपी के विधायक थे। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कभी भी कोई भी विधायकों के साथ पार्शलिटी नहीं करी। उन्होंने 15 किलोमीटर सड़क कांग्रेस के विधायक को दी तो 15 किलोमीटर की सड़क उन्होंने बीजेपी के विधायक को भी दी। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, पक्षपात तो केंद्र ने किया। हमारी ईआरसीपी योजना थी, प्रधानमंत्री जी ने दो बार घोषणा कर दी, यहाँ आके राजस्थान में ईआरसीपी योजना यहाँ चालू करेंगे। 13 जिलों की जनता को पिसाया मारने का प्रयास केंद्र स्तर पर रचा गया, 25 सांसद होने के बावजूद भी राजस्थान के विकास के ऊपर कोई कल्पना नहीं हुई। हर बात को लेके मोदी तक ले जाते हैं। भाई, जब आपके पास नेता यहाँ राजस्थान में नहीं है, नेता नहीं है, हर जगह मोदी जी कर रहे हो, तो मोदी जी को मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ क्यों नहीं लड़ाते आप? प्रधानमंत्री छुड़ा दो उन्हें। मेरा ये कहना है, पानी जैसे मामले जो राष्ट्रीय स्तर का मामला है उसको ऊपर एक गोल में सम्मेलन होना चाहिए और इस मामले में सबको मिलकर बैठकर काम करना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से पानी की समस्या का निदान होना चाहिए। अलवर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है आज पेयजल की है। पेयजल जो स्तर पानी का नीचे चला गया, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए जिससे आम जनता को कुछ सहूलियत मिल सके? तो ये बात तो सही है कि जब भी बरसात की कमी होती है तो पेयजल की कमी तो आएगी। वाटर लेवल अलवर में भी 800-800 1000-1000 फुट तक चले गया है। कई जगह प्रयास करने के बावजूद भी पानी नहीं मिला है, कई जगह बहुत अच्छी हैं जब पानी पर्याप्त मात्रा में उतर है। अभी अलवर शहर में चूंकि व्यवस्था जो है वो विधायक के हाथ में ही रहती है और नगर निगम में भी उनके ही चेयरमैन है और सांसद भी उनके हैं, जो सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था में पानी खोलने की व्यवस्था है ना, वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से शहर की जनता तराई तराई माम कर रही है। दूसरा एक विजन में बताऊं, अलवर से 28 किलोमीटर दूर ये अलवर से ये बड़ौदा मेव के आगे श्यामली मंदिर है, श्यामली में लालदास जी का मंदिर है, वहां तक चंबल का पानी आ गया है, उसकी दूरी 28 किलोमीटर है। मेरा ये मानना है अलवर शहर के पेयजल व्यवस्था को सुधार रहते हुए जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वो 28 किलोमीटर का पानी अलवर शहर में ले आएंगे, जिसे अलवर शहर, अलवर ग्रामीण और रामगढ़ तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है उसको लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से पेयजल की संकट हमेशा के लिए मिट जाएगा। और ईआरसीपी के लिए जो 4400 करोड़ रुपए की योजना में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, मेरी जिद है ईआरसीपी तो मैं लागू करके रहूंगा, ईआरसीपी का पानी इन 13 जिलों में पहुंचा के रहूंगा। जब तक इसमें काम में 1.5-2 साल लगेगा, जब तक इस चंबल से पानी आता रहेगा तो निश्चित रूप से अलवर का समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। अजय जी, होना नहीं चाहिए जब 5 साल जनता विधायक को मौका देती है, उस 5 साल के अंतराल में बहुत से कार्य विधायक को करने चाहिए ताकि जो वोट मांगने की जरूरत ही ना पड़े, जनता खुद ब खुद ये बोले कि हाँ इस विधायक को आगे लाओ। जो विधायक 4.5 साल तो सोता रहा, सड़कों पे कभी आंदोलन नहीं किया। मैं कहता हूँ मैं विपक्ष में हूँ तो विपक्ष वाला आदमी सत्ता के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ज्यादा ढंग से अपनी समस्याओं को पेश कर सकता है। जब आप जनता के जन आंदोलन में जनता के साथ खड़े होकर अपनी बात करोगे तो विधायक का भी स्वाभिमान बढ़ेगा, जनता का भी बढ़ेगा। आप जनता के हितों के लिए संघर्ष करो, 4.5 साल बाद आप पानी के लिए संघर्ष करने बैठ गए, कभी कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे हो, कभी यहाँ धरना दे रहे हो, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इन बातों से नहीं।
विधायक वो है जो जन जन की समस्या को सुने, उनके साथ जमीन पे उतरे, उनको जमीन पे बैठा के उनकी समस्या का निदान करे। क्योंकि मैं नगर परिषद में काम किया है, कचरा उठाने का काम मैंने किया 5 साल तक। बड़े स्वाभिमान से कहा कि भाई आप कौन हो, मैं सब कचरा उठाने वाला छोटा सा सेवक हूँ आपका। फिर उसके बाद मैं लगातार 25 वर्षों से देश की नामचीन गौशाला है स्टेशन रोड पर हमारी, जिसमें 700 गाय हैं, उसमें काम करता हूँ, उसमें भी मैं गौ सेवा प्रमुख हूँ। और 25 साल से लगातार मेरा चयन है, अलवर में ऐसा कोई पद नहीं है जो इसमें 25 साल कोई चेयरमैन रहा हो, वो अध्यक्ष रहा हो। उस संस्थान को भी मैं कहता हूँ आप गौशाला में क्या हो, ऐसा गौशाला में गोबर उठाने वाला हूँ। यदि जनप्रतिनिधि ये तय कर लेगा कि मुझे गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करनी है, निस्संदेह वो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं हारेगा, जन जन के साथ जुड़ के उनका काम करेगा, ऐसा मेरे सोच है। जो लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे ना, और यदि वो मेरे पास काम के लिए आते हैं, यदि मेरे क्षमता हुई, मेरी शक्ति हुई, तो मैं पहले उनका भी काम करूंगा। क्योंकि जनमानस में, क्योंकि वोट का अधिकार सबका होता है और चुनने के बाद प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि सबका होता है, इस सिद्धांत के साथ चलेंगे। और मैंने आपको कल भी कहा था, मेरी जिद है इस अलवर शहर की सूरत बदलनी है, ये मेरी टैगलाइन है। जब मैं नगर परिषद चेयरमैन था, जब भी था, अजय अग्रवाल नाम संपूर्ण विकास का, जन जन के विश्वास का, वो जन जन ने मेरे पे विश्वास जाहिर किया, मुझे टिकट मिला। अब मैंने ये कह दिया है कि अलवर को बदल के रखूंगा, अब ये भी मेरी जिद बदलूंगा। आप कहोगे कैसे बदलोगे आप, मैं क्या चमत्कार पानी की मैंने आपको योजना बता दी। अलवर शहर में जो असली समस्या है, जैसे व्यापार प्रभावित हो रहा है, जो हमारा पुराना शहर है दो भागों में शहर बट गया है, एक ये समस्या सबसे बड़ी आ रही है। एक मैं सवाल करना चाहूंगा, यहाँ पे रुकना चाहूंगा। अक्सर जब चुनाव आता है तो जो नेता लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद में, जीत होने के बाद में, जब जनता उनके दरबार पर पहुंचती है तो वो उनको भूल जाते हैं। वो जो बात पहले की, ये बात की आपने हमें वोट नहीं दिया, आप उस इलाके से हो, आप उस इलाके से हो, क्या ऐसा आप भी रहेगा अगर आपको जनता मौका देती है? देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए व्यवसाय नहीं है, राजनीति मेरे पास एक सेवा का माध्यम है। राजनीति के मेरे माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो राजनीति में आने से डरते हैं, अच्छे लोग जब तक राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक ये बरों का अंत नहीं होगा, जैसे राम रावण युद्ध हुआ, 14 साल का वनवास हुआ, राम का फिर तिलक वो लगा ना, राम को राज बना ना, तो ये राम राज की कल्पना के साथ ही अब राज दोबारा से अशोक गहलोत जी। अजय अग्रवाल अगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, एक राजनीतिक नेता के रूप में लड़ रहा है, एक समाजसेवी के रूप में लड़ रहा है, मैं अलवर शहर का बेटा के बनकर ही ये चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं अलवर की समस्याओं को लेकर, अलवर के इस शहर में पैदा हुआ हूँ और अलवर शहर का बेटा हूँ, एक विजन के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ कि मेरे शहर की जनता को मेरे विधायक बनने से किन किन क्षेत्रों में मैं उनके बात को उठा सकूंगा, किस तरीके से गरीब को गणेश मानकर सेवा करूंगा, किस कर तरीके से मैं पटरी पार नया अलवर बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वो कटा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है, न तो उन लोगों को पट्टा मिला, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास कोई स्वास्थ्य केंद्र है, न उनके पास बस स्टैंड है, न उनके पास घूमने के लिए कोई पब्लिक पार्क्स हैं, न उनके पास कोई हाट बाजार है, न उनके पास बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ सुविधा हो। तो ऐसी उन लोगों का यदि दर्द यदि मेरे जहन में पैदा है, तो निश्चित रूप से मुझे यदि नॉलेज है तो इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं अपने घर परिवार से फ्री हूँ, मैंने अपने बच्चों को फ्री कर दिया है और घर वालों ने भी मुझे फ्री छोड़ रखा है। पहले कहा, मैंने आपको कहा कचरा उठा रहा था, गोबर उठाता था, अब शहर की जनता के साथ मिलकर, उसके आशीर्वाद से मिलकर काम कर दूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। हमारे साथ में मौजूद है अलवर शहर के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि अलवर का बेटा है वो, और जीत के पश्चात में भी मुलाकात होगी, लेकिन चुनावी दौरे जारी हैं, वो भी आपको लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अलवर की जनता क्या कहती है वो आईना आप लोगों को दिखाया जाएगा धरातल पर। किस विधायक को जनता पसंद करती है, बीजेपी को चाहती है या फिर कांग्रेस को, ये दंगल राजस्थान में पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा रिपीट करेंगे इन चीजों को, ताकि ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं, जिनका सरोकार आप लोगों के साथ में, और नवतेज टीवी वो खबर दिखाता है जिनका सरोकार आम जनता के साथ में होता है। अजय अग्रवाल ने बहुत से वादे किए, वादे चुनाव के बाद में पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फोकस पूरा नवतेज टीवी का रहेगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।